लेखपाल को पकड़ा 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए। उज्जैन लोकायुक्त ने होमगार्ड ऑफिस से लेखपाल को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ढिकवा निवासी राकेश जाट की शिकायत पर की कार्यवाही। पिता नानलाल जाट होमगार्ड में लांस नायक के पद पर थे कार्यरत। मृत्यु होने के पश्चात जमा पूंजी को निकलवाने के लिए थी पैसे की डिमांड। लेखपाल जितेंद्र कुमार पांडे के द्वारा 3000 की रिश्वत मांगी गई थी। जितेंद्र कुमार पांडे को 500 रुपए की रिश्वत लेते होमगार्ड कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी से 2500 पहले ले चुका था आरोपी लेखपाल। 500 रुपए आज लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा है। कमांडेंट कार्यालय रतलाम में लांस नायक के पद पर थे, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण 28 फरवरी को हो चुकी थी। उसके बाद जो मृत्यु के उपरांत मिलने वाली जो संचित निधि और करुणा निधि के 51,000 रुपये और संचित निधि के लगभग 2,00,000 रुपये भुगतान होना शेष थे, तो 2,00,000 रुपये के भुगतान के लिए यहाँ जो अकाउंटेंट का कार्य देख रहा है ASIM जितेंद्र पांडे, उस व्यक्ति से वो भुगतान के संबंध में मिला तो उसने जो है उससे 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 2,000 रुपये उससे ले भी लिए। इसके उपरांत उस आवेदक ने जब शिकायत की तो हमने उसको तस्दीक करा के हमने आवेदक की आरोपी से आमने सामने बात कराई। बात कराने के समय भी जो है उसने आवेदक से 500 रुपये ले लिए। अब जो शेष 500 थे उसको ये तंग कर रहा था, तो आवेदक को हमने आज अपने कार्यालय सुबह उज्जैन में बुलाया, 500 रुपये पर केमिकल लगाकर इसको दिया। हम आवेदक को लेके आए और उसको जो है जैसे ही आरोपी को 500 रुपये शेष राशि उसकी दी और तत्काल हमारी जो इस कार्यालय के आसपास टीम तैनात थी जितेंद्र पांडे ASIM को 500 रुपये आवेदक राकेश जाट से लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।